आतंक की नगरी पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार मामला साइबर अटैक का है। पाकिस्तान में बड़ा साइबर हमला हुआ है। हैकर्स ने पाकिस्तानी बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए सर्वर में सेंध लगा दी और करोड़ों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ये साइबर अटैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम के प्रमुख के मुताबिक सिक्योरिटी ब्रीच के तहत हैकरों ने पाकिस्तान के तकरीबन सभी बैंकों में सेंध लगा दी। जांच एजेंसी मामले की जांच में जुटी है। साइबर क्राइम विभाग के प्रमुख कैप्टन मोहम्मद शोएब ने बताया कि पाकिस्तान के तकरीबन सभी बैंकों के डेटा को हैक कर लिया गया है। कैप्टन शोएब ने बताया कि साइबर हमला सीमा पार से किया गया। खाता धारकों के खाते से करोड़ों रुपए उड़ा लिए गए। हालांकि कैप्टन शोएब ये नहीं बता सके कि हैकर्स ने कुल कितनी रकम का चूना लगाया। गंभीर आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए हैकर्स के निशाने पर आना बहुत ही बड़ी चोट है। पाकिस्तान भारत में कई साइबर हमले करा चुका है। ऐसे में पाकिस्तान में साइबर हमला होना चौंकाने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।